सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। जैसा कि आप देख सकते हैं, अपने पास खड़ी है बजाज की पल्सर 125 NS। ये है 2023 मॉडल की BS6 मॉडल है, और वहीं बगल में आप देख रहे हैं तो ये है बजाज की पल्सर 125 OBD स्प्लिट सीट वाली है। ये है भाई, अभी मई में निकाली गई ये गाड़ी। तो दोनों गाड़ियों के बीच में हम करेंगे कंपेरिजन टेस्ट और देखेंगे कि क्या रिजल्ट होने वाले हैं। और अगर पावर फिगर की बात करूँ तो इसमें आपको मिलता है 11.5 PS का पावर और 10.8 न्यूटन मीटर का टॉर्क। वहीं अगर NS125 की बात करें तो इसमें आपको मिलता है सेम 11.8 PS का पावर और 10.8 न्यूटन मीटर का टॉर्क। तो दोनों गाड़ियों के बीच में हम करेंगे कंपैरिजन टेस्ट और देखेंगे कि क्या रिजल्ट्स होने वाले हैं। तो भाई चलाएंगे NS125 और मैं चलाऊँगा पल्सर 125, तो देखते हैं क्या रिजल्ट्स होने वाले हैं। नहीं जीत पाए यार, देख रहे हो गाड़ी भाग ही नहीं रही है, गाड़ी नहीं भाग रही है 100 से ऊपर। सो गाइस, मैं आपको बता दूं कि ये भी हम लोगों ने फर्स्ट राउंड किया जिसमें मैं चला रहा था पल्सर 125 2024 मॉडल OBD का, और भाई हमारे चला रहे थे NS125 BS6 मॉडल का। तो भाई ऑब्वियसली NS125 विनर है, क्लियर। और अभी हम राइडर चेंज करेंगे और मैं चलाऊंगा NS125 और भाई चलाएंगे पल्सर 125 स्प्लिट सीट वाली, और देखेंगे सेकेंड अटेम्प्ट में क्या रिजल्ट होने वाले हैं। तो चलिए राइडर चेंज करते हैं। NS125 आ गए। ओ भाई, स्प्लिट सीट। पीछे है 125 NS, आगे है बस 115 पे लिमिटर 16।
लिमिटर 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 सो गाइज मैं आपको बता दूं कि अभी हम लोगों ने किया था सेकंड अटेम्प्ट और जिसमें मैं चला था NS125 और भाई चला था Pulsar 125। तो भाई ऑब्वियसली NS125 विनर है और जो आप Pulsar 125 देख रहे हैं ये तो भाई सेकंड आई है। तो आप लोग बताना आप लोग को कैसा लगा वीडियो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।